अरे बेरिया के बेरिया तू है बरजिए बलमुआ उखिया जानी बोया है रे घर गोइड़वा मुरहा उखिया जानी बोया। अरे जुग जुग जिए तोर लाल नावा हो भावा नावा के भागी जागल हो जनी रो गोदी के ललनवा सबेरे झुने झुनवा मंगाए दे। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज विकास खंड के अंतर्गत कुछ गांवों में रहने वाले लोक कलाकारों से मिलने आया हूं और देखिए संयोग की यह मुलाकात भी उनके गांव में नहीं हुई, यह मुलाकात यहां आजमगढ़ शहर से थोड़ी दूर पर एक मजार के पास हो रही है। यहाँ बैठने की थोड़ी जगह है और यही हम बात कर रहे हैं। यहीं पर ये लोग अपने गांव से काम खोजने के लिए यहाँ आए हुए थे लेकिन काम नहीं मिला, तो बैनाथ गंवार साहब के निवेदन पर ये यहीं रुक गए हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं। ये पंवरिया कला के बहुत महत्वपूर्ण और नामचीन कलाकार हैं। ये जहाँ जहाँ एक बार अपना प्रदर्शन करते हैं वहाँ के लोग इनको हमेशा याद रखते हैं। यह और बात है कि अखबारों में और टेलीविज़न पर और दूसरी जगहों पर इनका प्रचार नहीं होता, इनका इंटरव्यू नहीं छपता, तो इनके नाम से और इनके गांव से लोग परिचित नहीं होते, लेकिन इनकी कला ऐसी है कि जब आप एक बार देखेंगे तो कभी भुलाए नहीं भूल सकती। पंवरिया के बारे में मैं बचपन में जो देखा करता था, दफली लेकर एक व्यक्ति पैर में घुंघरू बांध कर आता था और सबके दरवाजे पर नाचता था, लेकिन और सब लोग उसको अनाज देते थे, फिर वो चला जाता था, फिर शायद पूरे वर्ष कभी नहीं आता था। और पंवरिया बेसिकली जो कला है वो कला है पहलौठी का जो बेटा है उसके जन्म पर गाया जाने वाला गीत और किया जाने वाला नृत्य। और ये संपन्न लोग जो गांव के होते थे उनके यहाँ जाते थे तो इनाम इकराम उनको मिलता था, गरीब आदमी क्या देगा बेचारे को। उनकी इस पूरी कला और उसको देखकर मुझे यही समझ में आया कि अमीर आदमी उनकी मेहनत हड़प लेता है, उनकी मजदूरी नहीं देता है, वो झोपड़े में रहते हैं, तमाम तरह से विपत्तियाँ झेलते हैं, गरीबी झेलते हैं, जिल्लत झेलते हैं, लेकिन अमीर आदमी को उनकी सहानुभूति भी चाहिए और उनकी दुआ भी चाहिए। असल में यह बच्चे के जन्मदिन की एक दुआ है जो इनकी कला में विस्फोटित होती है। आज हम उन्हीं कलाकारों से मिल रहे हैं और उनको आप उनके दुख दर्द को सुनिए, शायद वे अपनी कला का थोड़ा बहुत यहाँ अनौपचारिक रूप से प्रदर्शन भी करें, उसको भी देखिए। तो आइए हम सबसे पहले जिस कलाकार से बात करते हैं। जी, मेरा नाम मटरू पहलवान है और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं। मटरू जी, आप पंवरिया कला से जुड़े हुए हैं। जी, तो कब से जुड़े हुए हैं, कैसे प्रेरणा मिली आपको कि इधर आना चाहिए आपको? जी, ये लगभग कम से कम आज 30-35 साल हो गया जी ये इस कला में आए हुए। गांव में हम लोग करते थे लेकिन अंत करते 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 आदरणीय आप बैद्यनाथ जी से संपर्क हुआ, गंवार जी से हमसे, तो जी जो कला के बहुत ही एक तरह से संयोजक आजमगढ़ के कहा जाए श्री बैद्यनाथ जी, इन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप इप्टा से जुड़ो और हम जगह जगह मंच देंगे आपको। और हुआ भी ऐसा कि हमने आप बैजनाथ जी के निर्देशन में इलाहाबाद माघ मेले में हमने कार्यक्रम किया, फिर कुशीनगर सर आप स्वयं मौजूद थे, बिहार गए और वो राज कामरेड राजबली फैजाबाद में उनके स्कूल पर उनकी पुण्यतिथि थी
वहाँ गए, दिल्ली में हमको ले गए जहाँ राजपथ है जी, वहाँ भी हमने कार्यक्रम किया और हमको बड़ा सुकून मिला कि कम से कम हमारी कला को ये भारतीय जननाट संघ इफ्टा ने पहचाना और हमको एक मंच दिया। आजमगढ़ महोत्सव 2019 में हमने जजी के मैदान में किया, जिसमें डीएम साहब थे आदरणीय मुकेश कुमार, मुकेश मिश्राम जी, और 2019 में फिर हमने आजमगढ़ महोत्सव में फिर हमें भाग मिला करने का, तो निज़ामाबाद और बाबा के बाज़ार दो जगह कार्यक्रम किया और बड़ा ही सपोर्ट मिला। लेकिन दुख थोड़ा सा हम लोगों को है इस बात का कि हमारी कला बाप दादाओं से ये आती आ गई। इसकी कहानी मैंने सुना है बुज़ुर्गों से कि अयोध्या के राजा दशरथ जी को, जिनको कोई संतान नहीं थी, बहुत दिन के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, तो राजा दशरथ जी ने ऐलान किया कि इतने दिन के बाद मेरे यहाँ एक लाल की पैदाइश हुई है और कोई बधाई गाने वाला मेरे यहाँ नहीं है, तो पवार वंश ठाकुर, आज भी परिवार वंश बोला जाता है, पवार वंश ठाकुर माने कई गोत्र होता है, पवार वंश ठाकुर कुछ संगीत के लोग प्रेमी थे, ये जा कर के राजा दशरथ जी के यहाँ बधाई गीत गाए। और वो राजा थे चूँकि गेहूँ जौ बाजरा मक्का चना सोना चांदी रुपया पैसा जो भी था उनको उन्होंने दान किया, और जब ये लोग ले कर के अपने घर गए हैं तो इनकी माँ ने कहा कि बेटा ये क्या है, कहे आज राम जी का जन्म हुआ है, हमने राजा दशरथ के यहाँ गाया है और ये हमको इनाम भी मिला है। बोली नहीं, एक छत्री दूसरे छत्री से दान नहीं लेता, ये इनको वापस कर दो। ये लोग फिर लेकर के पहुँचे हैं तो राजा दशरथ ने कहा नहीं, जो दान दिया जाता है उसको वापस नहीं लिया जाता, आज से आप 36 कौम में आपका यही काम है कि 36 कौम में जिसको पहली औलाद होगी, यानी दो तीन लड़की के बाद भी अगर लड़का होता है तो वो पहला माना जाएगा, आप जाओगे, फिर वो लड़का अगर 5-6 भाई भी पैदा होता है तो आप दरवाजे नहीं जाओगे, उसी लड़के को फिर लड़का होगा तब आप दरवाजे जाओगे, गरीब अमीर जो जिससे जो भी सपरेगा वो अपना देगा, अपना उसी में आपको गुजर बसर करना है। तब से ये पवरिया की कला 36 कौम में चली आ रही है। देखें जब इसमें हम बच्चा को गोद में ले लेते हैं तो एक गीत गाते हैं उसमें कि जनी रोवा गोदी के ललनवा सबेरे झुने झुनवा मंगाए देव, जनी रोवा गोदी के ललनवा सबेरे झुने झुनवा मंगाए देव, पहला खिलौना देबे गांधी के तीन बंदर, आँखि नाक कान मुँह मुनवा सबेरे झुने झुनवा मंगाए दे। दुख तो यह है कि कोई हमको मदद नहीं मिलने वाली, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर चलेंगे पौरिया तो भाग पर आके किसी तरह साल दो साल के बाद ये कला, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अगर हमको प्रोत्साहन नहीं मिला, हमको साथ नहीं मिला, तो ये कला मैं समझता हूँ कि बिल्कुल। अभी आपने जो बताया जी रामचंद्र की कहानी जी, वो तो एक मिथक है जी, हो सकता है, और हर कला के साथ हर विद्या के साथ कोई ना कोई मिथक जुड़ा ही रहता है, अब मिथकों का प्रचलन भी बहुत हो जाता है, एक मुँह से दूसरे मुँह, दूसरे मुँह से चौथे मुँह तक पहुँचती रहती। वास्तविक स्थिति क्या है, पंवरिया जो कलाकार हैं वो किस जाति से आते हैं और उनको उत्तर प्रदेश में जो अनुसूची है जातियों की उसमें किस जगह पर है, उनको क्या लाभ मिलता है क्या नहीं मिलता है? जी अब मैं बताया कि स्टार्टिंग जो पवार वंश ठाकुर से हुई थी जी, तो अब चूंकि कुछ दिन तक ये नाचने गाने लगे तो जो नाचने गाने वालों को थोड़ा सा हेय नज़र से देखा जाता है, तो इनके वंश में भी लोग हेय नज़र से देखना चालू किए, इनको वहाँ नहीं सम्मान मिला, तो नहीं सम्मान मिला तो कुछ दिन चलते चलते वहीं बुज़ुर्गों ने देखा कि वहाँ इस्लाम धर्म एक बेहतर धर्म है,
कि जब अगर आप इस्लाम धर्म कबूल करते हो तो जिस थाली में प्रधानमंत्री भारत का खा सकता है, विश्व का खा सकता है, उसी थाली में एक अदना सा मुस्लिम भी खा सकता है, कोई भेदभाव नहीं। यही इस्लाम धर्म बाजी मारा और बुज़ुर्गों ने यही करवट लिया और धीरे 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 ये लोग मुस्लिम धर्म में हो गए। आज नाम भी मुस्लिम का चल रहा है। पिछड़े मुस्लिम हैं या आगड़े मुस्लिम हैं? नहीं, अभी तो सच्चाई ये है कि हम पिछड़े में आते हैं जी। लेकिन कोई बेनिफिट हमको आज तक मिला नहीं अलग से, क्योंकि अगर कोई आरक्षण या कोई चीज़ आती है तो बड़े मुस्लिम ही इसको ले लेते हैं, हमारी औकातें नहीं वहाँ तक पहुँचने की। लगभग कितनी आबादी 5,000 की होगी? लमसम इससे तो ऊपर है, होगी नीचे नहीं। तो इसमें कितने लोग हैं जो पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़े? मैं तो समझता हूँ कि सर इसमें कोई सरकारी नौकरी में तो नहीं है, लेकिन अपना बिजनेस कुछ लोग करते हैं। जैसे जीनपुर में वो मौर्या बिरादरी की अपना दुकान उकान मतलब कपड़े उपड़े की किए हैं। चीज़ें बदल गई, अब सामंत नहीं रहे बड़े बड़े जी जी। अब जिस इलाके में आप हैं उसमें बहुत सारे पैसे वाले नए नए पैदा हो जी जी। अब वो अपने बच्चे के जन्मदिन पर हो सकता है कि शहनाई बजाने के लिए कोई कलाकार बुलाएं, हो सकता है कि नाचने के लिए कोई बुलाएं, हो सकता है कुछ बुलाएं। तो एक तरह से बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों ने आपकी कला को पीछे ढकेल दिया जी। तो ऐसे में आप अपनी कला को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? बस सर एक तो अच्छाई ये है अभी हमारे पूर्वांचल में जी कि कितनी भी चीज़ें बदल जाएं लेकिन आज भी पवरिया का मान सम्मान, जो आपने आशीर्वाद की बात कहा है, वो चीज़ ज़्यादा है। चाहे वो कितना भी आज एडवांस हो जाए लेकिन अगर हम दरवाजे पहुंच जाते हैं तो वो बड़े सम्मान से हमको बैठाते हैं और हमारा गीत सुनते हैं। जो भी हमने बाझिन का एक बाझिन का गीत गाते हैं जो आपने सुना है वहाँ, और दूसरा मामा बहने का संग्राम वो अभी आपके सामने हमने नहीं पेश किया, वो सुनता है, सोहर वगैरह तो गाते हैं, तो बड़े सम्मान से हमको बिठाते हैं और जथा शक्ति होता है वो हमको देते हैं। हम भी सम्मान से अपने घर आते हैं। लेकिन जैसे जो गीत हैं आप लोगों के वो तो पुराने ढर्रे पर ही जी जी, नई परिस्थितियों में कुछ गीतों में परिवर्तन किया गया, नए गीत बनाए गए? अब नए गीत सोच रहे हैं हम, चूँकि गीत लिखने वाले अपने में इधर जितने भी पौरिया हैं तो गीत लिखने वाला मैं ही हूँ। तो मैंने एक गीत और इस समय पौरिया बिरादरी में दिया था, वो बहुत तेज चल भी रहा है, जो एक सगे भाई बहन की शादी आपस में हो गई। लड़कियों के प्रति ये तो सत्य है कि सामंत अपने बेटे के जन्मदिन पर ज़्यादा इसलिए खुश होता था कि उसको लगता था वंश चलाने वाला कोई मिल गया जी, हमारी संपत्ति दामाद को नहीं जाएगी जी, मैंने एक वंश से दूसरे वंश को जाने में वो दिक्कत उसको महसूस होती थी, तो उसे लड़का उसके प्रेफरेंस में था, उसकी प्राथमिकता में था जी। लेकिन एक कलाकार के रूप में आपको कभी लगा कि लड़कियों को लेकर ऐसा कुछ किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाह रहा हूँ कि सबसे जितने भी इस चैनल पे सुन रहे हैं, और हुआ भी ऐसा एक पिछली बार जनवरी में एक पंडित जी थे जिनके लड़की का मुंडन था और वो हमारा एक कैसेट वायरल हुआ था जो 2.5 अक्षर प्रेम की यात्रा चली थी जी, उसमें ये कलाकार है रंजीत ये था और एक और कलाकार थे, तो बहुत ही वायरल वो हुआ कैसेट। तो पंडित जी ने वहाँ सुना देखा तो उन्होंने फ़ोन करके हम लोगों से संपर्क किया और हम लोग अपना केवल किराया उनसे, भाई गाड़ी का हमको किराया दीजिए हम आ रहे हैं। खुशी हो गई कि लड़की का मुंडन करवा रहे हैं उसमें मुझे बुला रहे हैं, अपने को रोक नहीं सका तो उन्होंने गाड़ी का किराया दिया और हम 5-6 आदमी वहाँ गए और कम से कम 5-6 घंटे हमने कार्यक्रम दिया और इतना बेहतर कार्यक्रम हुआ कि पंडित जी इतना खुश हुए कि भाई हर साल के लिए आप लोग हमारे यहाँ इनवाइट, वो हर साल के लिए मामला वहाँ हमारा ठीक है। तो हमें खुशी उस दिन और जोश में हम गाए थे क्योंकि बेटी की बात थी और जो हमको पसंदीदा चीज़ है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसके भी घर बेटी पैदा होती है तो वो हमको बुलाए, हम अपनी चीज़ गाएंगे। अच्छा, क्या इस गाने में इस कला में महिलाएं भी शामिल हैं या केवल पुरुष? पात्र में गीत के अंदर तो महिलाएं हैं जी, गीत के अंदर तो महिलाएं हैं लेकिन ये सामने जो करते हैं हम लोग तो सब पुरुष हैं, सब पुरुष हैं। सरकार बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी कलाओं को प्रोत्साहित करती है जी, आप लोगों ने कभी ये डिमांड की कि आपकी भी कला को प्रोत्साहित किया जाए, संरक्षित किया जाए?
जी, इसके लिए हमारी कौम के लोग जागृत नहीं थे और आज जागृत भी हैं तो थोड़ा ये अशिक्षा वाला बात इनके अंदर कूट कूट के भरी है। तो आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई पौरिया कलाकारों के जीवन संघर्ष की, अपने जीवन संघर्ष और उपलब्धियों की बात, और अपने सोच को आपने यहाँ रखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेरिया के बेरिया तू है बरजिए बलमुआ, उखिया जानी बोया है रे घर गोइड़वा मुरहा, उखिया जानी बोया। अरे जोता ता गोला ता लगी है छावारे माही नवा, बारिश दिन वाला आगे आई रे मोर बाला मुआ, बारिश दिन वाला आगे आपाने ना धेला मुरा ढेकुली बरहिया, आपाने ना धेला मुरा ढेकुली बरहिया, हमारा से गोड़ावे हाय रे घाना उखिया मुरहा, हमारा से गोड़ावे। क्या नाम हुआ? नाम तो मोहम्मद अशफाक है। हम ढोलक बजाते हैं और गाते भी हैं जी। एक सोहर मैं आपको सुना दे रहा हूँ। अरे जुग जुग जिए तोर लाल नामा हो भवा, नामा के भागी जागल हो मोरे ललना, बड़ा अरे समय के तोरा हो रिलावा हो रिलावा, तनी खेलाई ले बहो। अरे मोरी रनिया कवने ऐसा न कैलू, अरे का मावा हो बेटौआ कहावा पावेलू हो। भोरवै में गंगा हमना हैली हो सुरूज के माँ, नवाली हो सुरूज के माँ, नवाली न हो मोरी रनिया सुरूज पे धैली, अरे धिया नवा हो बेटौआ भागा वन दे लहो। दिन अहमद अरे हमारा नान पियावा गई न पार दे था करम में लागे आग ना नदी, नान गावा ना करो न घरवा दादा के छोड़ो, अपने पूर्व बर जिया छो न अपने पूर्व बर जिया छो न घरवा बोल ले न हो, घरवा बोल ले न नदिया बिरहन बोली हो कर जवा लागे गोली ना नदी। मलमल रहनी दोनों हाथ, मलमल रहनी दोनों हाथ, विधना ये से बढ़िया हो विधना ये से बढ़िया, दे दे तू मऊतिया हिया के लागे डांतना नदी, गुरु साना तू बनावा अपने चेलन के सिखावा। बंगरू कहना आज भर गई न मोर दिया नावा, अंगनवा बोले काओ ना नदी। अभी आपने देखा पवरिया कलाकारों को बहुत ही अनौपचारिक तरीके से। हम सोच रहे थे कि ये मौखिक रूप से कुछ कहेंगे गाना गाएंगे, लेकिन ये तो ढोलक और अपनी ये कौन से चीज़ है, ये हमारी सारंगी, ये सारंगी इन्होंने अपने साथ रखी थी। एक कलाकार की यही खूबी होती है कि जहाँ भी जाता अपने हरबे हथियार के साथ जाता है। आजमगढ़ जिले में रहने वाले ये पवरिया कलाकार जीवन संघर्ष के उस दौर से लगातार गुजर रहे हैं जब बहुत कठिनाई से अपनी आजीविका ये कमा पा रहे हैं। इन कलाकारों का संरक्षण किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी कला बहुत ही विलक्षण और बहुत मार्मिक कला है। हमने जब इनको औपचारिक रूप से प्रस्तुत देते हुए देखा था तब लगा कि बस अब कलेजा निकल जाएगा, इतना बढ़िया गाते हैं ये लोग, इतना बढ़िया उनका नृत्य होता है। ये लोग मुसलमान हैं, पिछड़ी जाति के हैं, इनको अभी आरक्षण और भागीदारी और सामाजिक न्याय की बहुत सख्त ज़रूरत है ताकि इनकी पीढ़ियां आने वाले समय में अपने लिए एक सामाजिक सम्मानजनक सामाजिक जीवन पा सकें। हम ये कामना करते हैं कि ये उस मंजिल तक पहुँचेंगे और इनकी कला भी एक बड़ी मंजिल तक पहुँचेगी, कला देश दुनिया के तमाम सारे लोगों तक पहुँचेगी। गांव के लोग के लिए मैं रामजी यादव आजमगढ़ से नमस्कार।